नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं कच्छ जिला के मांडवी तालुका में कोकलिया गांव में आया। हमारे साथ किसान भाई है, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम जाड़े राम सिंह जी है, गांव कोकलिया मांडवी। राम सिंह जी भाई साहब, ये कौन सा कपास है? ये अपना फ्रंट ईयर है जी। फ्रंट ईयर अच्छा। कितने दिन का कपास है ये? एक महीने का हुआ है, एक महीना और चार दिन का हुआ है। अच्छा, सिर्फ एक महीने का। हाँ। तो जो कपास की चाल है, ये देख करके क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये साल लग रहा है सही जाएगा, सब सही जाएगा। हाँ, एकदम बढ़िया चल रही है जी। और इसको जो बोलते है कुड़प हमारी भाषा में, बहुत अच्छा है जी। अभी कुछ इसका ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ है और बढ़िया है। कोई इसमें दवा बीमारी रोग अभी तक तो कुछ नहीं आया है? कुछ भी नहीं है, कोई चूसिया येड़ वगैरह कुछ नहीं? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं आया है। ऐसे हमने दवाई लगाई है, अभी दो पान निकल रहे है, देखो ये इसका जो लगा दिया है ना, वो भी वो निकल रहा है। दो पान लगाए और दवाई मार दी, उसको कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है और बहुत अच्छा, एकदम घास की दवा भी लगा दी है आपने, सारे घास भी जले हुए हैं और पूरा साफ सुथरा खेत है। कितने एकड़ में कपास लगाते हैं आप? ये साल 50 एकड़ में। 50 एकड़ के करीब कपास, पूरा 100% यही बियारण, पूरा यही मैगजीन का ही लगाया। हाँ, फ्रंट ईयर और फाया ये फ्रीडम एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया, पूरा एक जैसा। पूरा खेत में जहाँ भी नजर जा रही है, सही है, एकदम एक जैसा ही दिख रहा है। पूरा खेत का नजारा जो है, जहाँ तक आपकी नजर जाती है, एक जैसा ही है। और इसका जो इसका उगाव भी है ना, वो भी सही है। जर्मिनेशन बहुत, हाँ, जर्मिनेशन समझ लो 85-90% हो गए। अच्छा। और बारिश के कारण जो भी 5-10% निकला, वरना ये 100% याद। हाँ, ये पहली बार आपने ये बियारण लगाया है? हाँ, ये साल पहली बार है। अगले साल लेके रखा था, 20 पैकेट लगाया नहीं था। मौका नहीं मिला, वावा जुड़ा आया। अब ये साल पूरा यही लगा दिया, 100% यही बियारण। अच्छा, हम थोड़ा आगे चलते हैं, आइए जरा आपके खेत में थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक घास की दवा लग गई है, ये नहीं लगी, ये चार दिन पहले लगी, ये साइड लगा दी थी, ये साइड अभी आज चालू किया है, ये देखिए आज ही लगा है। ये दवा का जो काम है, यहाँ पर घास पूरा जल चुका है, खत्म हो चुका है। अब जहाँ दवा नहीं लगी है, इसके ठीक बगल में यहाँ का खेत का जो नजारा है, ये देखिए आपको कपास पूरा बढ़िया एक सरीका है जो है, पूरे खेत में एक जैसा ही है, कोई इसमें मतलब डिफरेंस नहीं है। सारा पौधा जो है यूनिफॉर्म है, बियारण की क्वालिटी इसी से पता चलती है, यूनिफॉर्म। आप देखेंगे ज्यादातर जो लोकल कंपनी है, उसके कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई लंबा, कोई टेढ़ा, हर तरह के छोड़ होते हैं, मगर ये एक सरीका है, सब पूरा एक सरीका है। पूरा खेत में देख लो जी, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहाँ तक श्री राम सिंह जी का खेत है, कोकलिया गांव में। और ये तो अभी इसका बचपन है, इसकी जवानी बाकी है, फिर हम आएंगे इस खेत में, आपको इसके बारे में और फिर बताएंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन जो हाइब्रिड का पावर है, कहते हैं फूट के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, तो वो अभी से इसमें जो है एक कुड़प, जैसे इन्होंने बताया, ये कुड़प देखो इसकी। हाँ बिल्कुल, एकदम एक पत्ते की बात नहीं है, पूरा पत्ता देख लो सब। हाँ, अभी तो थोड़ा दोपहर है, थोड़ा मुरझाया हुआ है, धूप तेज है। हाँ, लेकिन शाम के बाद एक अलग ही, इसकी सुबह शाम तो देखने के लायक रहता है, देखने के लायक रहता है। और सबसे अच्छी बात कि आप कितने समय से खेती कर रहे हैं? मैं समझ लो 12-13 साल हो गए, 12-13 साल से खेती कर रहे हैं। और आप खुद मेहनत करते हैं, खुद आते हैं अपने खेत में? हाँ, खुद ऐसा नहीं, खुद पंप ही लगा लेते हैं। तो ये पानी लगा लेते हैं, सबसे बड़ी बात है, खुद मेहनत करते हैं। और एक बहुत ही शानदार खेती में इनका नाम है पूरे तालुका में, और खाद और हर चीज के बारे में भी इनको बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी नॉलेज है। ये आप देख सकते हैं इस खेत में जहाँ दवा लग गई है, ये एरिया में दवा लग गया है, और ये बाएं साइड में दवा लगने का बाकी है। तो घास की दवा का ये इतना फर्क होता है,
आप एक सप्ताह के बाद आएंगे तो पूरे खेत में आपको सिर्फ कपास ही दिखेगी, उसके अलावा कोई भी घास आपको नहीं दिखेगा। बोलते हैं दवाई लगाते हैं ग्लाइफोसेट, बाद में 2 दिन रुक जाती है उसकी वृद्धि जो कपास की। ओके, इसमें कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, देख लो आप, इसको लग गया है, उसको आज लगा है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कोई दवा की कोई असर नहीं है, एकदम स्वस्थ पौधा है। और आगे चलेंगे, आगे थोड़ी बाद में लगी है वो कौन सा वैरायटी का है? वो फ्रीडम है, वो फ्रीडम है, वो लेट लगा, वो लेट लगा है, वो समय 17-18 दिन का हुआ है। अच्छा, मगर वो भी अच्छा चल रहा है। तीन पानी इसको तीन लगाया है, उसको चालू किया अभी। खाद क्या डाला है आपने पाए? पाए कुछ नहीं डाला है, कुछ नहीं, कोई खाद नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। तो पहला खाद का डोज इसमें यूरिया थोड़ा थोड़ा लगाया? हाँ, यूरिया लगा है 18-20 किलो लगा है एकड़ पे। अच्छा, तीसरे पानी में देखिए पूरे 50 एकड़ की खेती है इनकी, और ये फ्रीडम है, 18 दिन का प्लॉट है। देखिए ये भी, इसकी भी चाल सही चल रही है, उम्र के हिसाब से बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे बोलते हैं कि भाई खेती में सबसे पहले जरूरी चीज है बीज, बीज अगर सही मिले तो हर चीज आगे तक सही चलती है। बीज का आप देख रहे हैं रिजल्ट जो है, पूरे 50 एकड़ में एक ही कंपनी का बीज लगाया है, बहुत ही शानदार प्लॉट है। अभी खाद का क्या राउंड लगाएंगे अभी फिर से इसमें? अभी यूरिया चालू है तीसरे पानी में, यूरिया और यूमिक एसिड, यूमिक एसिड के साथ में लगा रहे हैं, बाद में आएगा सल्फर यूरिया। अच्छा, अमोनियम सल्फेट जो बोलते हैं? अमोनिया नहीं। अच्छा, जो डब्ल्यू फॉर्म में आता है ना पाउडर 80%, वो लगाए अभी, वो लगाए। ठीक है, तो भाई साहब रामसंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आने का अवसर दिया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका पया चरण हमारे बाड़ी में आ गए और अच्छी क्वालिटी दी हमको। हाँ, और आपके जैसे युवा किसान अगर खेती में जुड़ते हैं ना, ये मैं तो सौराष्ट्र में भी गया था तो वहाँ पे आपके उम्र का एक भी किसान नहीं मिला मुझे, सभी जो भी थे 60-50-60 के ऊपर वाले। और मैंने पूछा उनको कि भाई इस गांव में कोई नौजवान नहीं है क्या, उन्होंने कहा नौजवान सब चले गए बाहर नौकरी करने के लिए, अब जो बुजुर्ग लोग हैं वो खेती कर। हमारे इधर ऐसे ही था, पानी नहीं था, अब 10-12 साल से सब पूरे यंगस्टर लगा रहे, खेती कर रहे हैं, खेती को व्यवसाय बना के। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया शुरुआत। पहले बॉम्बे काम करते थे, नौकरी करते थे दुकानदार, अब सब छोड़ के छाड़ के पूरा खेती में लग गए यंगस्टर। तो खेती से अच्छा कोई धंधा है? कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, एक एक मैसेज भी आप दे रहे हैं लोगों को। दूसरे जो नौजवान हैं जो बाहर जाकर के शहर में 10-15-20 हजार की नौकरी करते हैं, उससे अच्छा अपने गांव में खेती करें, खेती करो और उज्जवल भविष्य बनाओ अपने बच्चों का। हाँ, ये एक मैसेज भी आपने दिया है दूसरे लोगों के लिए भी, क्योंकि खेती ही है जो आगे बढ़ाएगी। आगे बढ़ाएगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।